खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। ब्रह्मा कुमारी रिवाजों से होगा सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सिद्धार्थ शुक्ला काफी ज्यादा अच्छे इंसान थे और उनका आज अंतिम संस्कार होने वाला है। बताया जा रहा है कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम के साथ वो काफी समय से जुड़े हुए थे और वो वहाँ पर जुड़ने के बाद वो एक्चुअली में उन चीजों को फॉलो भी कर रहे थे। और अभी ये सामने निकल के आ रहा है कि ब्रह्मा कुमारी के रीति रिवाजों के हिसाब से जो है वो एक्चुअली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहाँ की हेड तपस्विनी बैन के साथ आज तक ने बात की। बात करते हुए पूछा कि सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार किस तरीके से किया जाएगा, तो उन्होंने काफी बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने अंतिम संस्कार के बारे में बातें कही हैं और उसी के साथ उन्होंने ये चीज बोला है, सिद्धार्थ हमारा भाई था, सिद्धार्थ बहुत ही अच्छा इंसान था, सिद्धार्थ यहाँ पर आता था, हमारी चीजें फॉलो करता था, 7 दिन का उसने मेडिटेशन कोर्स भी लिया था, वो मेडिटेशन भी करता था यहाँ पर आश्रम में आके, वो बहुत ही शांत रहता था, उसको थोड़ा टेम्पर इश्यू था, पर जैसे जैसे वो मेडिटेशन करने लग गया वैसे वैसे जो है उसमें काफी सारे बदलाव आने लग गए। इसी दौरान ही हम आप लोगों को ये चीज बता दें कि उन्होंने बताया है कि कोविड के चलते हुए काफी सारी चीजों को मतलब कि नहीं भी करने दिया जा सकता है। इसी दौरान ही उनका जो अंतिम संस्कार है वो अविनाशी में होगा उनका अंतिम संस्कार। और उसी दौरान ही उनके पार्थिव शरीर को एक्चुअली में फूलों की माला से सजाया जाएगा, उनको टीका लगाया जाएगा और उनका जो आत्मा और परमात्मा का जो मेल करने वाली एक मेडिटेशन है उनके सामने मेडिटेशन की जाएगी और उसी दौरान ही वहां पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और परमात्मा से ये भी कहा जाएगा कि वो हमेशा अमर रहें। और उसी दौरान ही परमात्मा से काफी ज्यादा इनके बारे में एक्चुअली में बोला जाएगा और वहां पर मेडिटेशन की जाएगी और ये सब चीजें करने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, यानी कि फूल माला और टीका लगाया जाएगा, काफी सारे लोग शांत होंगे, मेडिटेशन होगी और उस वक्त भगवान के साथ लिंकअप करेंगे ये लोग, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सिद्धार्थ शुक्ला बहुत ही अच्छे इंसान थे जो कि हमारे बीच में आज नहीं है, पर हमारी यादों में वो हमेशा याद रहेंगे। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।